दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, सफलता सक्सेस यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता, चाहे वो लक्ष्य कुछ भी हो, और असफलता यानी अपनी अपेक्षा फुलफिल नहीं कर पाना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सफलता असफलता की। What is success actually? अच्छा काम करना, अच्छी सैलरी पाना, अकेडमिकली कुछ अचीव करना, बिजनेस में नाम कमाना, या फिर रिलेशनशिप में मधुरता बरकरार रखना। चलिए जानते हैं ऐसे ही सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। निर्मा, जब भी प्रकृति को सूट न हो ऐसा जॉब मिलता है, स्किल्स न हो ऐसा कुछ जॉब बॉस देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, तब असफलता की बहुत डर लगता है, तो तब कैसे हैंडल किया जाए? ऐसा है, जीवन में हर समय थोड़ी सफलता मिले ऐसा काम मिलता है। अपनी प्रकृति को सूट हुए, अपने को पसंद आए वैसा ही काम हमको हर जीवन में, जीवन के हर प्रसंग में थोड़ी करना पड़ता है। कितनी सारी चीजें हैं हमारी जीवन में जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी हमें मजबूरन करना पड़ती है। हम लाख उसको अवॉइड करने जाए लेकिन वो नहीं हो पाती है, आपको करना ही पड़ता है। तो दुखी होके, फ्रस्ट्रेट होके ये करे उससे बगैर, उसके बजाय क्यों ना हम समझ से, खुशी से जो भी है उसको स्वीकार लेके अच्छी तरह से करना प्रयत्न करो। प्रयत्न करने का हमें अधिकार है, परिणाम का नहीं है। आप अपनी ओर से करो, नेगेटिव मत आने दो, पॉजिटिव होके करो। पसंदगी और नापसंदगी यह मन की है, मन को दूर रखो, अपने ध्येय को पकड़ो। कबीर साहब ने कहा है ना, मन का चलता तन चले ताका सर्वस्व जाए। तो मन का कहना क्यों सुने? हमें जो हमने आपके बॉस ने जो आपको काम करना सीख बताया, इतना कर लाओ, तो आपका फर्ज है, आपको करना चाहिए। लेकिन वो स्किल्स ही नहीं रहती है, लगता है कि काम नहीं होगा, हमें नहीं आता। वो जो पहले काम करते थे वो लगता है इजीली हो जाता है, तो उसमें कुछ हेडेक नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, सब उसकी सभी। ये हेडेक ही मत सोचो ना, काय का हेडेक, हेडी मत रखो तो एक कहां से, वो तो करना है। बॉस बताता है, पगार देता है, तब कहां जाता है आपका हेडेक? जो काम बताता है तो आपको करना है, आपके फर्ज है, प्रेम से करो। बीच में हेडेक को काय को लाते हो, हेड बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है, बताया वो करने का है, यू हैव टू फॉलो। और फिर पॉजिटिव रह के करो, बॉस खुश हो जाए यह देश से करो, तो ही आपका ये आपकी इकोनॉमिकल लाइफ सफलता में जाएगी। तो ये क्या ऐसे पाप कर्म का उदय कहा जाता है कि जो हमें पसंद नहीं है वैसा काम करना पड़ता है? नहीं, ये पसंदगी नापसंदगी इसमें कर्म नहीं आता, ये तो हमारी अकल गलत है, समझ हमारी गलत है। पसंद नापसंद ये डिस्टिंग्विश करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि फिर उसमें सफलता मिलने का कम चांस रहता है। तो इसीलिए नापसंद करते हो इसलिए असफलता आएगी। पसंदगी में आपको सफलता लगेगी लेकिन नापसंद में पहले से असफलता लगती है। तो दोनों को बाजू रखो, जो भी है मुझे पूरा करना है, पसंद नापसंद की जरूरत ही बात ही कहाँ है। जो नापसंद है वहां आप रटन लगा और रटो, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद हो जाएगा। अगर पत्नी भी नापसंद की आ गई तो क्या करोगे? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं सफलता असफलता की। तो दोस्तों, सफलता असफलता किस चीज पर निर्भर है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, पूर्व जन्म के पाप पुण्य या डिटर्मिनेशन की कमी? चलिए जानते हैं इस समस्या का हल हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। निरुमाई प्रणाम। ये जो सफलता और असफलता है इसका आधार क्या प्रकृति पे है? किसी की प्रकृति फास्ट रहती है, किसी की प्रकृति स्लो रहती है, तो ये जो प्रकृति पे आधार है उसका? बिल्कुल नहीं। तो फास्ट फास्ट प्रकृति वाला भी कभी असफलता पाता है या नहीं पाता है, और बहुत प्रमादी है, आलस वाला है, कुछ न करता है तो भी उसको सफलता मिलती है,
ये बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं, मिल मालिक वगैरह रहते हैं, तो क्या वो कुछ मेहनत करते हैं? कुछ फास आराम से सब चलता है उनका, फिर भी जहाँ देखो सो जहाँ हाथ डालो माँ सोना ही सोना उगलता है। और बेचारा मजदूर कितना मेहनत करता है, कितना सुबह से शाम तक काम करता है, तो भी बेचारा बड़ी मुसीबत से शाम को खाना पाता है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? पुण्य का फल है, उसके हिसाब से आज सब सफलता मिलती है, और जब पाप का फल आता है तो असफलता मिलती है। लेकिन यह हमें पता नहीं, इसलिए हमें तो पॉजिटिव रहकर मेहनत तो पूरी करना ही चाहिए, उसमें से पीछे हट नहीं करना। ऐसा नहीं कहना कि भाई मेरे नसीब में होगा या मेरे प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं, ऐसा करके बैठ रहना यह गलत है, यह मिसयूज है। पॉजिटिव रहकर काम करो, और जब असफलता मिले तो उसको स्वीकारो कि जो था मेरा हिसाब वो मुझे मिल गया, इसमें कोई दोषित नहीं है, किसी का कोई गलत भी नहीं है, आप भी गलत नहीं। आप पूरे प्रयत्न करो तो आपको भी भीतर में संतोष रहेगा कि नहीं ऐसे तो मैंने कुछ गलती नहीं की, प्रयत्न किए। ऐसा होता है निरुमा कि हम प्रयत्न तो पूरा करते ही हर, पर क्या होता है हर बार असफलता ही मिलती है, कितना भी इसको कोशिश करो ना तो भी ऐसा जो रिजल्ट आता है ना तो असफल ही रहते है, कुछ गलत हो ही जाता है। कभी भी चाहे करो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो अहंकार होता है, अहंकार वो इतना ज्यादा होता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें हम अहंकार से करते हैं, और वह अहंकार नॉर्मल अहंकार रहा तो चल तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह अहंकार पागल अहंकार होता है। तो पागल अहंकार किसे कहा जाता है कि वो कभी सोचता नहीं है कि सामने वाले को मेरे अहंकार से कुछ दुख होता है। जब अपने अहंकार से किसी भी छोटे में छोटी चींटी को भी क्यों ना दुख हो, तो भी उसका फल हमें तो मिलता ही है, हमको भी भुगतना आता है। इतना ही नहीं, भुगतना किस तरह से आएगा? असफलता के परिणाम से। तो देखा आप, देखो जितने जितने अहंकार है उसकी भी कुछ लिमिट आती है, और फिर उसका अहंकार से औरों को जो दुख देता है, मैं कुछ हूँ मेरे अलावा कोई नहीं कर पाएगा, मैं बहुत होशियार हूँ, बाकी के लोगों को तो छिट छिट करता है, इसको कुछ समझता नहीं, इसको तो कुछ आता नहीं है, मेरे काम में दखल करता है, ऐसा जो हमें बार बार होता है वो हमारा वो अहंकार पागल है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल होना चाहिए। ये जो तलाश करो कि आप में ऐसा तो कोई अहंकार नहीं है कि आपके अहंकार से कोई दुखी तो नहीं होता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। ऐसा होता था कि कॉलेज में मैं बहुत स्कॉलर स्टूडेंट था, तो मैं ऐसे ही समझता था कि मुझे सब आता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या इसका परिणाम अभी ये आ रहा है कि मैं अभी असफल हो रहा हूँ, कि ये अगले जन्म का कुछ ऐसा है? अगले जन्म का तो रहता ही है, मूल कारण तो अगले जन्म का पुण्य और पाप फल का परिणाम है, लेकिन अभी आप सफल होगे क्या नहीं होगे वह आपके अहंकार से पता चलेगा, कि आज नहीं तो कल ये अहंकार आपको मार बराबर देगा, गिराएगा। ऐसा तो होता ही है कि अभी भी मुझे अंदर ऐसा है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, मेरे में ऐसे होशियारी है, पर जैसे काम कर रहा हूँ तो काम में तो असफल ही होता हूँ, पर जो आपने बताया ना अभी जो अहंकार चीज है, तो अहंकार तो मेरे में रहता ही हूँ कि मैं होशियार हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा अभी मुझे डीप डाउन रहता ही है, फिर भी ये जो असफल रहता है क्या यही कारण है मेरी असफलता का कि या कोई और भी है? इससे भी आगे अगर रहा कि मेरे मेरे जैसा और कोई नहीं करता है, मेरे जैसा होशियार मेरे बिरादरी में कोई नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं है, और यहाँ तक कि आपके साथ जो कोई काम करता है मिलके, अगर उससे कुछ गलती हुई तो आप उसको झाड़ देते हो, उसको बहुत इंसल्ट करते हो, अपमान करते हो, गालियां देते हो, उसका परिणाम ये आता है कि आपके अहंकार का फल आपको वहाँ ही मिलेगा, आपको सामने वाले को दुख पहुँचाएंगे तो आपको भी दुख मिलेगा ही किसी न किसी जरिए।
तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे मैं अंदर ऐसे सोच के अभी बैठू कि नहीं, मैं जो होशियार हूँ या नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं। जरूर जो है होशियार है वो आपकी गिफ्ट है, इसमें आपका क्या पुरुषार्थ है? उसका अहंकार करने की क्या जरूरत है? मैं पढ़ाई में बहुत आगे हूँ, तो आप ये ऐसी बुद्धि लेके आए हैं, मेमोरी याददाश्त ऐसी लेके आए हैं, तो आपको पढ़ाई में सक्सेस मिलता है, उसका अहंकार करने की क्या जरूरत है? जिस चीज का अहंकार करोगे वहां उसको उसका आपको मार जरूर गिर पड़ेगा। कहते हैं ना, राजा रावण ने अहंकार किया तो लंका उसकी चली गई, जल गई सारी। कहते हैं ना, किसी का अहंकार टिकता नहीं है, रावण का भी नहीं टिका तो क्या, और किसका? कहावत है ना, बात सच है। इसीलिए अहंकार से मत करो, अपनी फर्ज है या अपने हमें करना चाहिए इस समझ से करो। होशियारी है तो उसका फायदा अच्छे काम के लिए करो, नहीं कि अहंकार करने के लिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं जीवन में आते हुए उतार चढ़ाव की, सक्सेस फेलियर की। तो दोस्तों, कई बार मन में यह सवाल उठता है कि इतनी मेहनत करने पर भी हम सफल क्यों नहीं हो पाते? कोई न कोई समस्या खड़ी हो ही जाती है। तो क्या सक्सेस या फेलियर नसीब से है या मेहनत से? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। अभी जो हम करते हैं और उसमें कार्य में सक्सेस नहीं होते हैं, तो उसमें गए जन्म का कर्म जो है उसकी वजह भी हो सकती है? या जो पुण्य जो हम ले आते हैं ना, पुण्य और पाप दोनों की गठरी साथ में आती है पिछले जन्म से। तो अगर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा हमको पुण्य का साथ मिले तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, और पाप का साथ आ गया तो अनसक्सेसफुल जाएंगे। तो ये गए जन्म का प्रभाव रहता है इसका, जो गए जन्म के पाप पुण्य है उसके अपन... उसकी असर रहती है, रहती है, बहुत रहती है, बहुत रहती है। गए जन्म में अपन ने कुछ पाप किए हो वो भी अपन ये जन्म में लेकिन हमें हमें पता नहीं है कि हम, हाँ, बस यही कारण ये पता नहीं, इसलिए हमें तो इस जन्म में जो भी कुछ करते हैं वो पॉजिटिव रह के करना है, परिणाम के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी तय करते निश्चय करते पॉजिटिव रह के करे, सक्सेस नहीं होते ना, फिर बाद में पता चलता है, तब भी उसको एक्सेप्ट करो कि हमारे पाप का उदय था और क्या। मैं 15-20 वर्ष से बहुत मेहनत कर रहा है, मेरी फैक्ट्री भी है, 1-2 बरस बहुत अच्छा चलता, 1 बरस के बाद 2 बरस के बाद इतना भारी फटका आ जाता। कोई अभी अभी मेरी टूर में से आ रहा था, मैं मेरे पैसे की बैग ही चली गई पूरी, दिवाली का टाइम था, पैसा भी बहुत ज़्यादा था उसमें। उसके पहले मेरे ट्रक का नुकसान हो गया, मतलब ऐसा 1-2 बरस के बाद होता है। इसमें तो पाप का उदय होता है, तब ऐसा होता है क्या? ये जन्म में तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं था, देखो बैग टूट चली गई आपकी। हाँ। तो ये भी कहाँ से, अब उस समय हमारी अकल भी कुछ चलती नहीं है। हाँ, बस यही था ना, पुण्य के उदय में बहुत जो भी करे तो अकल सीधी चलती है, पाप के उदय में कुछ भी करे तो अकल उल्टी चलती है, चलता ही नहीं उसमें किसी का। इसके लिए कुछ उपाय? कुछ उपाय नहीं, समता में रहो और नाम लो भगवान का, जो हो रहा है सही हो रहा है समझ के चलने का। हाँ, ये करेक्ट है, न्याय ही है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, और जितने समता में रहोगे उतने जल्दी आपका अच्छा होने लगेगा, चिंता में टेंशन में बिगड़ते जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। तो दोस्तों, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट। दादाजी कहते हैं कि सफलता असफलता मिलना हमारे पूर्व कर्मों का हिसाब ही है। ऐसे ही प्रश्नों के सलूशन पाने के लिए सुनना ना भूलें नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। अब प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।